अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इमरान रज़ा और आप देख रहे हैं टेक्निकल इमरान रज़ा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सो हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कोरल ड्रॉ में टेक्स्ट टूल के बारे में कि आप टेक्स्ट को किस तरह 3D इफेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये है टेक्स्ट टूल F8 से आप इसको ला सकते हैं। ये नीचे टेबल है टेक्स्ट टूल, यहाँ पर हम कुछ भी टाइप करते हैं, इमरान रज़ा हाउ टू, आप इसको इसका 3D इफेक्ट में आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इफेक्ट में जाके 3D इफेक्ट 3D रोटेट, ये आपके पास ऑप्शन आ रही हैं। ये देखिए फ्रेंड, इसको आप 3D रोटेट कर रहे हैं तो मैं आपको अपनी जो है पिक्चर उसको जूम करके दिखाता हूँ। इफेक्ट 3D रोटेट, ये देखिए फ्रेंड, ये हमारी शेप में देखिए आप चेंजिंग आ रही है, ये 3D रोटेट है। आप जिस तरह जिस एंगल पे भी आप इसको रखेंगे वैसे ही ये रोटेट करेगा। हम इसको ओके करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मेरी पिक्चर किस स्टाइल में आ गया है। हम दोबारा इधर एक नया टेक्स्ट लिखते हैं, इमरान रज़ा, इसका हम साइज लार्ज करते हैं। इफेक्ट 3D इफेक्ट सिलेंडर, हम इसको आप सिलेंडर करते हैं, इसका साइज़ काम ज़्यादा करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमारी शेप में चेंजिंग आ रही हैं। ये वर्टिकली है बट हम इसको हॉरिजॉन्टली करेंगे तो हॉरिजॉन्टली चेंजिंग इसमें आएगी। ये देखिए फ्रेंड, ये हॉरिजॉन्टली चेंज हो रहा है, हम इसको ओके करते हैं। ये देखिए हमारे टेक्स्ट की शेप किस तरह हो गई है, 3D टेक्स्ट हमारा हो चुका है। नेक्स्ट हम दोबारा एक टेक्स्ट टाइप करते हैं, इमरान रज़ा, हम इसका साइज लार्ज करते हैं। इफेक्ट 3D इफेक्ट इम्बोस्ड, अब हम इसको इम्बोस्ड करेंगे। डेप्थ इसकी इंक्रीज करते हैं, लेवल इसका थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, कलर इसमें ब्लैक कर देते हैं या फिर अदर आप कोई भी कर सकते हैं। ओरिजिनल कलर इसका ब्लैक था, हम इसको ग्रे कर ब्लैक कर देते हैं। आप यहाँ से कोई भी इसका कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप कोई भी कलर इसका चूज़ कर सकते हैं। इसको ओके करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे टेक्स्ट इस तरह से लिखे होते हैं, ये बेवल हो चुका है। ये इसकी राइटिंग का टेक्स्ट कितना खूबसूरत बन चुका है, ये इसको कहते हैं बेवल इफेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट हम आपको दोबारा टेक्स्ट में जाते हैं, इमरान रज़ा, इसका साइज़ हम लार्ज करते हैं। इफेक्ट 3D इफेक्ट, ये पेज के बारे में है सारे, स्फीयर स्फीयर में हम आते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे टेक्स्ट को स्फीयर हो रहा है। ये देखिए जिस तरह का ऊपर ये स्टाइल हम चेंज कर रहे हैं तो टेक्स्ट के अंदर का स्टाइल भी चेंज हो रहा है। इसकी स्पीड क्वालिटी इसकी हम चेंज कर रहे हैं, अब हम इसकी स्पीड चेंज करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इसको अब हम ओके करते हैं। ये देखिए हमारे टेक्स्ट किस तरह हमें आ गया है, किस शेप में। सो ये थी फ्रेंड आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने आपको 3D इफेक्ट के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।